जय हिंद दोस्तों। अभी अभी खबर आ रही है कि पुणे में 3 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है। पुणे में अभी नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहेगा, यानी 6 PM to 6 AM तक 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू रहेगा पुणे में। ये रिस्ट्रिक्शंस कल से यानी 3 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। साथ ही साथ पुणे में सभी रिलीजियस प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल्स और मूवी थिएटर बंद रहेंगे। होम डिलीवरी और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सेवा चालू ही रहेगी। अगर मैं कल की बात करूँ तो पुणे में कल करीबन 8,011 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए थे। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1 हफ्ते तक लागू रहेगा और अगले फ्राइडे को सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है या इसे बढ़ाना है। तो पुणे के संबंध में ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में भी जानकारी दे दूं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, ये दोनों चीज़ों से, सभी रिस्ट्रिक्शन से जनता काफ़ी नाखुश है, क्योंकि जनता से कहीं ना कहीं ये सभी रिस्ट्रिक्शन सहे नहीं जा रहे हैं। आज रात में 8:30 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी संबोधन करने वाले हैं राज्य की जनता को। देखते हैं वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं, मैं उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट पुणे के संबंध में। पुणे में कर्फ्यू की टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है। पुणे में कर्फ्यू की टाइमिंग्स रहेगी शाम के 6 बजे से यानी 6 PM से लेकर सुबह के 6 बजे तक यानी 6 AM तक। तो अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।